ये तो मतलब बहुत ही मतलब 0.001% का आपका श्योरिटी होगा, एक ही सेंटर से 6 बच्चा को आपका 720 मार्क्स मिल सकते हैं। ये सबसे बड़ा स्कैम है और इस वजह से बहुत बच्चा मेंटली भी डिप्रेस होता है। बहुत सारे बच्चा 2 ईयर्स 3 ईयर्स का ड्रॉप आउट होता है, उन लोगों का मेंटली बहुत डिप्रेस हो जाएगा। जो बच्चा को आपका 650 मार्क्स के अच्छा अच्छा कॉलेज मिल रहा था, गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था, इस बार 650 मार्क्स में इतना मिलेगा नहीं। सबका एक ड्रीम होता है, जो लोग MBBS के लिए तैयारी करते हैं एम्स दिल्ली में जाने के लिए, इस बार एम्स दिल्ली में आप सोचिए 720 मार्क्स 67 अगर स्टूडेंट है, उतना सिटी नहीं है एम्स दिल्ली में। हाउ इट पॉसिबल? मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा सच लग रहा है इसमें, क्योंकि ये बार मतलब लास्ट ईयर का जो टॉपर्स है ना वो 3-4 ऐसे था ना, ये बार 67 टॉपर्स है तो वो कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर इतना भी वो इजी भी नहीं था ना, और कोई कोई को 718-719 मिला, वो तो मार्किंग स्कीम का अंदर नहीं आते ना। कुछ दिनों से दर्शकों आपने देखा होगा कि नीट स्कैम की विवाद काफी चर्चों पर है। आपको बता दूं कि 5 मई को इस नीट एग्जाम का आयोजन किया गया था, वही इसकी रिजल्ट 4 जून को आई, और आपको अगर याद होगा तो 4 जून को MP इलेक्शन के रिजल्ट की घोषणा भी की जाने वाली थी। अचानक से उसी दिन हमें सुनने को मिलता है कि नीट एग्जाम की रिजल्ट की घोषणा की गई है। जैसे ही रिजल्ट की घोषणा की गई है काफी सारे विवाद होने लगे जी, और जितने भी नीट एग्जाम देने वाले बच्चे बड़े नाखुश थे, और उनका ये कहना है कि इस बार की नीट एग्जाम में बड़ी लापरवाही की गई है। इसको लेकर जो नीट एग्जाम जो आयोजन करवाते NTA के द्वारा भी इसको लेकर सफाई दी गई कि उनका ये कहना है कि इस बार ग्रेस मार्क को लेकर काफी ऊंच नीच मार्क्स में देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि इस बार की एग्जाम में 67 बच्चों यानी 67 बच्चों ने रैंक 1 हासिल किए, ऐसे बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि इतिहास में आज ये पहली बार ऐसे सुनने को मिल रहा है कि 67 बच्चों ने रैंक 1 हासिल किए। इसको लेकर देश के अलग अलग जगहों में इंस्टीट्यूट में हड़ताल और विवाद भी हो रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर आज सुनवाई हो रही है। इसको लेकर आज हम स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट आए हैं, आज यहाँ के फैकल्टी से हम जानने वाले कि इस नीट स्कैम को लेकर उनका क्या कहना है, क्योंकि कई बच्चे ये कह रहे हैं कि इस बार की जो रिजल्ट को लेकर तो इसे रद्द करके और एक बार एग्जाम का आयोजन करवाना चाहिए। चलिए ये जानते हैं कि आज स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट के जो फैकल्टी इसको लेकर उनका क्या विचार है, ये जानने के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल यानी सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न जर्नल। तो इस बार जो नीट एग्जाम हुआ है, नीट एग्जाम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर मेडिकल स्ट्रीम, ना जो लोग मेडिकल में जाना चाहता है, MBBS करना चाहता है, वेटनरी फील्ड में जाना चाहता है, BSc नर्सिंग वगैरह जितना मेडिकल लाइन का कोर्स होता है उसके लिए एग्जाम होता है। तो इस बार भी एग्जाम हुआ है और एग्जाम का रिजल्ट जो आपका आना चाहिए था 14 जून को, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार जो रिजल्ट पहले आ गया, 4 तारीख को आ गया, जिस दिन आपका इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है इंडिया का पार्लियामेंट इलेक्शन में, तो उसी दिन ही रिजल्ट आ गया। तो उसके ऊपर उस दिन तो मीडिया का इतना नज़र नहीं गया, फिर बाद में जब रिजल्ट को एनालिसिस किया गया तो देखा गया है, आप अगर देखोगे तो इस बार 67 बच्चा को फुल मार्क्स मिला है, 720 आउट ऑफ 720, और उसमें भी 6 बच्चा ऐसा है, आप अगर उनका शीट देख सकते हैं रिजल्ट शीट, 6 बच्चा एक ही सेंटर से हैं, एक ही सेंटर से 6 स्टूडेंट का 720 आउट ऑफ 720 मिलना इम्पॉसिबल है। ये तो मतलब बहुत ही मतलब 0.001% का आपका श्योरिटी होगा, एक ही सेंटर से 6 बच्चा को आपका 720 मार्क्स मिल सकता है। ये सबसे बड़ा स्कैम है। फिर आपका आजकल आप लोग देखा होगा नेशनल मीडिया में भी चल रहा है, बिहार में उसको लेके FIR भी उसी दिन दिया गया है, तो बिहार पुलिस उसके ऊपर स्टेप क्या ले रहा है मालूम नहीं। NTA रोज रोज नया नया सफाई दे रहा है, कुछ ग्रेस मार्क का भी बात आ रहा है, आज एक नया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है वो लोग, बट उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी टीचर या कोई भी बच्चा को वो लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, जो लोग उसके बारे में पूछ सकता है वो लोग सिर्फ नेशनल मीडिया वाला में जो भी आपका न्यूज जो करते हैं उन्हीं लोगों को बुला रहे हैं। तो उस वजह से इसमें लगता है कि कुछ ना कुछ तो घोटाला है, और इसके मैं यही कहना चाहता हूँ बच्चों के हित के लिए, क्योंकि आपका ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का आपका अप एंड डाउन से रैंकिंग का इधर से उधर हो जाता है, और इस वजह से बहुत बच्चा मेंटली भी डिप्रेस होता है। बहुत सारे बच्चा 2 ईयर्स 3 ईयर्स का ड्रॉप आउट होता है, उन लोगों का मेंटली बहुत डिप्रेस हो जाएगा। जो बच्चा को आपका 650 मार्क्स के अच्छा अच्छा कॉलेज मिल रहा था,
गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था। इस बार 650 मार्क्स में इतना मिलेगा नहीं। सबका एक ड्रीम होता है, जो लोग एमबीबीएस के लिए तैयारी करते हैं एम्स दिल्ली में जाने के लिए, इस बार एम्स दिल्ली में आप सोचिए 720 मार्क्स, 67 अगर स्टूडेंट है, उतना सीट ही नहीं है एम्स दिल्ली में। हाउ इट पॉसिबल ना? तो इसलिए रीनीट करना जरूरी है मेरे हिसाब से, बच्चों के तरफ ध्यान में रखते हुए यही कहना चाहता हूँ। हाँ, इसमें एक्चुअली इस बार स्कैम तो हुआ है, जिससे हम लोग भी अपना स्टूडेंट्स का भी जो मार्क्स है उसमें बहुत सारा डिफरेंस है, जो एक्चुअल मार्क्स है और ओएमआर शीट में जो मार्क्स है डिफरेंसेस है। और सेकंड बात, इस बार जो मार्क्स का जो हाईएस्ट मार्क है 720, वो लगभग 67 स्टूडेंट्स को मिला है, जो अभी तक हिस्ट्री में नहीं था। और इधर भी हम लोग देखा है कि बहुत सारा स्टूडेंट को इतना ज़्यादा मार्क्स मिला है जो उसका एक्चुअल उसका जो परफॉर्मेंस है उसके साथ मिच मैच है। तो हम लोग भी इसको गो थ्रू किया है, तो न्यूज़ में भी देखा, इवन यूट्यूब में बहुत सारा जो नेशनल स्टैंडर्ड का टीचर्स है उसका इंटरव्यू भी हम लोग देखा है। तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारा स्टूडेंट को मतलब क्या है ग्रेस मार्क्स एक इस बार प्रोवाइड किया गया, जो पहले कभी नहीं हुआ था। ग्रेस मार्क का बेसिस था एक्चुअली क्या है, कुछ इस बार एग्जाम में क्या हुआ, किसी स्टूडेंट को टाइम नहीं मिला तो कोई लेट से पहुँचा, या एग्जाम का जो कंडक्ट किया उन लोगों का गलती की वजह से क्या हुआ, स्टूडेंट जो पूरा टाइम 3 आवर्स टाइम जो है उसको नहीं मिला। तो उसका बेसिस में क्या किया गया कि स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है फर्स्ट सपोज 20 मिनट्स में 40 मिनट्स में जो परफॉर्मेंस है, कितना टाइम में कितना क्वेश्चंस किया, उसको बेस लेके वो लोग बाकी जो टाइम एग्जाम नहीं दे पाया उस टाइम के कितना क्वेश्चन कर सकता था उसका बेसिस पे उसको मार्क्स दे गया। लेकिन ये तो कम्प्लीटली मतलब ऑथेंटिक का बात ही नहीं, इलीगली है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कुछ स्टूडेंट को सपोज से 50 क्वेश्चंस पता है, वो 50 क्वेश्चंस फर्स्ट और 20 मिनट्स में कर लिया, हो सकता है कि वो स्टूडेंट और क्वेश्चन जानता ही नहीं है। लेकिन अगर वो एंट्री का गलती का वजह से अभी उसी को स्टूडेंट को क्या किया, बाकी टाइम के लिए भी मार्क्स दे दिया, ये तो कम्प्लीट इलीगल है। और जो स्टूडेंट को पूरा टाइम में जो मार्क्स मिल रहा है उसके साथ कम्प्लीट अनजस्टिफाइड है। मतलब ग्रेस एक्चुअली नीट में होने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर नीट का कोई प्रॉब्लम हुआ है, वो लोग कंडक्ट करने में कुछ भी गलतियाँ हुआ है, वो लोग इसको रिकंडक्ट कर सकता था, एग्जाम को पोस्टपोन कर सकता था। लेकिन ये स्टूडेंट के साथ तो ये कम्प्लीटली नाइंसाफी है। अभी कोई पढ़ने के बाद जिसको 500 मार्क्स स्कोर हो रहा है और कोई बिना पढ़े 200 स्कोर करने के बाद अगर ग्रेस मार्क मिलकर अगर 600 आ रहा है तो ये तो जस्टिफिकेशन है ही नहीं, उसको भी संतुष्ट तो है ही नहीं। क्योंकि उन लोगों का क्लेरिफिकेशन तो वही ग्रेस मार्क के बारे में वो लोग बोला है, तो जो रीज़न दिया है वो एक्चुअली स्टूडेंट के हिसाब से इसमें आपका मतलब इफेक्टिव है ही नहीं। अभी जो स्टूडेंट को मार्क्स मिल गया ग्रेस से वो लोग तो खुशी रहेगा, लेकिन जिसको नहीं मिला फिर वो लोग क्या करेंगे? ये तो एक्चुअली एग्जाम का बेसिस का परफॉर्मेंस के हिसाब से बेसिस होना चाहिए। कोई ग्रेस मार्क का बात तो अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रेस मार्क होगा तो इसमें तो आपका मतलब बोलने का कुछ है ही नहीं। आप क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम हो, 10 का बोर्ड एग्जाम हो, उसमें ग्रेस मार्क हो सकता है कि स्टूडेंट को जस्ट पास कराना है। बट अगर एक मेडिकल का एग्जाम, इंडिया का टॉप मोस्ट जो एग्जाम है, अभी तो नीट ही है, पहले आपका एम्स था, अलग अलग कंडक्ट करता था, अभी सिर्फ नीट से आपका एम्स में जाएगा, फिर जिपमर में जाएगा, मतलब टॉप मोस्ट कॉलेजेस में एडमिशन लेगा। अगर कोई स्टूडेंट ग्रेस मार्क होके उसका क्लियर नहीं होने के बाद विथ ग्रेस मार्क अगर उसको एडमिट हो जाता है तो आगे जाके इंडिया के लिए ही मतलब ये खतरा है। अगर ट्रूली अगर जा रहा है तो उसमें कोई हम लोग का बात नहीं, बट अगर ग्रेस मार्क से जा रहा है, जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है, तो ग्रेस से उसको मिल रहा है तो वो डॉक्टर तो अच्छा बनेगा नहीं, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार तो सिस्टम होगा ना। तो उसको ये सब चीज़, इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है, इतना बड़ा सिस्टम है, इतना साल से एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, तो ये तो छोटा बात है ना, उसको जानना चाहिए। हम लोग एज ए टीचर हम लोग वही बोलना चाहिए कि इसमें ऑथेंटिक होना चाहिए, इसमें जो प्रॉब्लम एंट्री का हुआ है उसके साथ मतलब ये मतलब जो डिसीशन लिया है वो जल्दबाजी हुआ है, इस स्टूडेंट का फेवर में नहीं है। अभी किसी को मार्क्स ज़्यादा मिल गया उसके फेवर में होगा, बट ओवरऑल जो सिस्टम का फेवर में नहीं है उसको सही होना चाहिए, या तो दोबारा एग्जाम को कंडक्ट करना चाहिए, वही बोलना है। नहीं, ऐसा तो इंस्टीट्यूट में नहीं हुआ है, लेकिन मेरा अपना स्टूडेंट है तो उससे जब बात किया मैंने, वो थोड़ा उसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, तो वो मुझे पर्सनली भी भेजा है, उसका जो ओएमआर शीट भेजा है, तो ओएमआर शीट में उसका जो मार्क्स आ रहा है वो लगभग आपका 468 आ रहा है, बट एंट्री से उसको मार्क्स मिला है 459 मिला है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। आप जानते ही है मतलब क्या होता है, एंट्रेंस में एक मार्क का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि एक ही मार्क में आपका लगभग 10-15 स्टूडेंट आ जाता है, ज़्यादा भी आ जाता है। तो अगर उसको 8 से 9 मार्क्स का डिफरेंस है, मतलब उसका पोजीशन बहुत नीचे चला जाएगा, तो हो सकता है कि उसका वजह से उसको नहीं भी मिल सकता है। तो उसका तो गलती नहीं है ना, उसका मार्क्स आ रहा था, इवन आपका जो एनटीएस से डाउनलोड करने वाला शीट है उसका ही ओएमआर शीट है, उसी में आपका मार्क्स 468 आ रहा है। तो इसमें उसका मार्क्स जो है वो अराउंड 468 आ रहा है, बट उसको मार्क्स उतना नहीं मिला है, 459 शायद मिला है। तो उससे मतलब उसका वो तो उसका फॉल्ट नहीं है, ये सब चीज़ में बहुत सारा गलतियाँ हुआ है। ये तो मेरा अपना स्टूडेंट है,
हाँ एक्चुअली देखिए, जो एग्ज़ाम होता है वो स्टूडेंट के लिए होता है, तो उसमें आपका अगर क्लियरिटी नहीं है, उसमें आपका अगर दिखाई दे रहा है कि इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है, और जो NTA से जो उसमें डिक्लेरेशन दिया गया वो भी मतलब जेन्यून नहीं है, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, वो टीचर्स हो या स्टूडेंट हो किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो सब बेटर है एग्ज़ाम को दोबारा करें, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग एग्ज़ाम किस लिए कर रहे हैं, स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट ही सेटिस्फाइड नहीं है तो अल्टीमेटली इसको तो कोई बोलने का ज़रूरत है नहीं, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा सच लग रहा है इसमें, क्योंकि ये बार मतलब लास्ट ईयर का जो टॉपर से ना वो 3-4 ऐसे था ना, ये बार 67 टॉपर से, तो वो कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर इतना भी वो इजी भी नहीं था ना, और कोई कोई को 718-719 मिला, वो तो मार्किंग स्कीम का अंदर नहीं आता है ना, इसलिए थोड़ा गड़बड़ी भी लग रहा है। और अगर ग्रेस मार्क्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई कोई बहुत मेहनत करता है ना, और अगर उसको टाइम लेगिंग हो रहा है बोलने से भी, उसको एक्स्ट्रा टाइम लेके कर सकता है, मतलब उसका वो मतलब कर सकते हैं ना, और एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं उसको, पर ये ग्रेस मार्क्स देना तो ठीक बात नहीं लगा। वेरिफिकेशन वो लोग अपना बाद में भी इतना नहीं टिक रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि हम कल एक फिजिक्स वाला सर का वो देख रहा था, वो सर पूरा फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा था ना, तो उसको देख के हमको थोड़ा थोड़ा सच लगा। और एक लड़की भी मतलब कोई सेंटर से था, वो लोग का साथ जो मतलब प्रॉब्लम हुआ ना, वो उसको शेयर किया था लड़की ने, वो बता रहा था कि वो लोग को बाइलिंगुअल वाला वो पेपर दिया गया, फिर उसके बाद वो लोग प्रोटेस्ट भी किया बाहर में, फिर शाम को वो लोग 10 बजे ऐसे तक एग्जाम देके खत्म किया, ऐसे बोल रहा था वो लोग, मतलब फर्स्ट में दिया है ना फर्स्ट में, फिर उसमें वो लोग को पेपर गड़बड़ी दे दिया, फिर OMR शीट भी वो लोग को सही नहीं दिया, ऐसे बताया था वो लड़की। रिकंडक्ट ये तो तकलीफ भी हो सकती है, क्योंकि कोई कोई मेहनत से भी लिखा होगा ना, तो रिकंडक्ट अगर जिसको डाउटफुल वाला स्टूडेंट है ना उसका लेना चाहिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि कोई कोई तो बहुत मेहनत से किया, तो अभी थोड़ा महीना का गैप में भी भूल सकते हैं ना, तो उसके लिए तो तकलीफ होगा होगा, फिर मिल गया वाला बेचारा है ना वो लोग। अच्छा होना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग बहुत रात को क्या बोलेगा पढ़ाई थोड़ा थोड़ा नहीं करता है, मुझसे भी ना पढ़ाई थोड़ा सुबह भी रूटीन मेंटेन करता है उठने का, मतलब थोड़ा सा तो मेहनत कर रहे हैं ना, तो ऐसे एग्जाम तो ऐसे शॉर्टकट लेके ऊपर चला जाने से नहीं होगा ना। हम भी मैम हम तो कल रात ही सुने, पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए, बस वही है, होने से तो बहुत प्रॉब्लम होगा मैम। मिडिल क्लास फैमिली से, तो मिडिल क्लास बोलने से बहुत लोअर वाले मिडिल क्लास, तो अब कोचिंग भी ले रहा है इतना पैसा देके ना, तो वो तो पैसा उड़ जाने से तो क्या करेगा ना मैम, तो 1 साल कोचिंग ले रहा है तो अच्छे से होने से ठीक है, तो ऐसा होने से तो नहीं पता, NTA वाला लोग अच्छा कदम उठाने से ठीक है मैम। वो तो हमको मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं पता, क्योंकि मैम जो मतलब टॉपर है ना, मतलब कोई कोई तो बहुत मेहनत से दिया होगा ना ईमानदारी से, वो तो मतलब अभी पढ़ने का तो अभी वापस मतलब पढ़ाई थोड़ा छोड़ दिया था बीच बीच में, तो वापस देने से तो वो लोग का रिजल्ट भी वापस खराब आ सकता है, क्योंकि पढ़ाई कंटिन्यू नहीं किया, तो पर जो शॉर्टकट लेके किया है वो तो मैम जो मतलब ग्रेस मार्क ना जो टाइम का वजह से हुआ था, वो लोग तो वापस देने से भी ठीक है, पर बहुत मुश्किल होगा, कौन ईमानदारी से दिया था ना और कौन अच्छा से। जी मैम डर लग रहा है, हम दोनों रूम में थे और कल रात उसका बारे में ही बात कर रहा था हम दोनों भी, कि अगर ऐसा होने से तो हम नहीं सकेगा हल्के, तो